हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आईएफएस। आपने जब भी रियल एनालिसिस या इंटीग्रल इक्वेशंस पढ़ा होगा, आपके सामने एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रेशन फ्रॉम, यहाँ पर कुछ फंक्शन है, यहाँ पर कुछ फंक्शन है और ये कुछ ऐसा आपके सामने दिखाई देगा, है कि नहीं, इसका कैसे डिफरेंशिएशन करें, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने ज़रूर आया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि लिबनीज रूल क्या कहता है, हाउ टू डिफरेंशिएट दिस, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। सो व्हाट इज फर्स्ट लिबनीज रूल? सो लिबनीज रूल लिख देते हैं कि कैसे डिफरेंशिएट करें इंटीग्रेशन के अंदर, राइट। सो डी बाई डी एक्स ऑफ, व्हाट दिस सेज, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम साई ऑफ एक्स टू फाई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा टी इंटू डी टी, ये फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी है, इंटीग्रेशन है साई टू फाई और इसका डेरिवेटिव लेना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो व्हाट लिबनीज रूल सेज, लिबनीज रूल कहता है कि आप क्या करो, एफ ऑफ एक्स कॉमा, और सिंपली इंटीग्रेशन पहले ऐसा लिखो साई ऑफ एक्स टू फाई ऑफ एक्स, फिर आप ये जो अंदर वाला फंक्शन है दो वेरिएबल का एक्स और टी का, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर आप क्या करो, प्लस इसमें ऐड करो, एफ ऑफ एक्स कॉमा टी में टी की जगह अपर लिमिट पुट करो, उसका डेरिवेटिव करो, एफ ऑफ एक्स कॉमा टी की जगह अपर लिमिट फाई ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस अब यहां पर माइनस कीजिए, एफ ऑफ एक्स कॉमा टी की जगह आप लोअर लिमिट पुट करो साई ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साई ऑफ एक्स। सो लिबनीज रूल, अकॉर्डिंग टू लिबनीज रूल दिस डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू दिस, क्या करना है, सिंपली ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा टी इंटीग्रेशन के अंदर इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस एफ ऑफ एक्स कॉमा टी की जगह अपर लिमिट उसका डेरिवेटिव, माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा टी की जगह लोअर लिमिट उसका डेरिवेटिव, राइट। अगर मैं यहां पर वही थोड़ा सा चेंज कर दूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम साई ऑफ एक्स टू फाई ऑफ एक्स, अगेन मैं सेम रख रहा हूं, बस यहां पर अब मैं दो वेरिएबल के फंक्शन की जगह मैं सिंपल वन वेरिएबल फंक्शन लिख देता हूं, एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इसका कैसा आएगा डिफरेंशिएशन, अगर मैं सिंपली यही रूल लगा दूं, तो अब ये रूल क्या कहता है कि इंटीग्रेशन के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव ले लो उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर फंक्शन सिर्फ टी का है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, प्लस यहां पर क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा टी की जगह अपर लिमिट, टी की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे क्या आएगा, एफ ऑफ टी की जगह फाई ऑफ एक्स इंटू क्या कहता है डेरिवेटिव ऑफ फाई दैट इज फाइव डैश ऑफ एक्स, माइनस टी की जगह लोअर लिमिट पुट करो दोस्तों, एफ ऑफ साई ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साई साई डैश ऑफ एक्स, ये बनेगा हमारा लिबनीज रूल फॉर वन वेरिएबल फंक्शन इन साइड द इंटीग्रेशन, राइट। सो ये हमारे पास दो लिबनीज रूल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इंटीग्रल इक्वेशन का, देखते हैं। यहां पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है कि लेट फाइव बी ए सोल्यूशन ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन जीरो टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू फाइव टी डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, तो फिर फाइव की वैल्यू एट पॉइंट रूट टू क्या होगी, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हम इसको सिंपली लिबनीज रूल लगाएंगे, मेरे पास गिवन इंटेग्रल इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू फाइव टी डी टी, राइट। अब इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू दिया है। अब देखिए आप ये जो पूरा है इसको मैं मान लेता हूं फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी। अब रूल लगाते हैं, रूल क्या कहता है, सो बाई लिबनीज रूल डी बाई डी एक्स ऑफ, हम पहले तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ जीरो टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू फाइव टी डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सिंपली एक्स स्क्वायर बाई टू, राइट।
ये आ जाएगा। अब देखिए लिबनीज रूल लगाते हैं इसके लिए, ये मेरा क्या है फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी, राइट, एफ ऑफ एक्स कॉमा टी। तो अकॉर्डिंग टू रूल सो व्हाट वी विल गेट, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स। अब जो अंदर वाला फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू फाइव टी डी टी, इसका क्या आएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपली माइनस टू एक्स इंटू फाइव टी, राइट। सो दैट विल बी माइनस टू एक्स इंटू फाइव टी डी टी, राइट, फाइव टी डी टी, एंड यहां पर प्लस, अब उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स टी में टी की जगह अपर लिमिट पुट करना है। सो फंक्शन क्या था, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, अब टी की जगह अपर लिमिट यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू फाइ ऑफ टी था, टी की जगह अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट इज वन माइनस, अब टी की जगह लोअर लिमिट करना है इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट विल बी जीरो बिकॉज लोअर लिमिट इज कॉन्स्टेंट। यहां पर राइट हैंड साइड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू दैट वाज जस्ट एक्स, राइट। अब देखिए यहां तक हम लोग आ गए, यानी कि हमारे पास क्या आ गया है, इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स माइनस टू एक्स इंटू फाइव टी डी टी, फाइव टी डी टी, और यहां पर ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस यहां पर फाइ ऑफ एक्स एंड इट इज इक्वल टू एक्स, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया है सीन। अब देखिए अभी भी मुझे फाइव फंक्शन मिला नहीं है क्योंकि मुझे फाइ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि इसको फिर से एक बार लिबनीज रूल लगाते हैं, अगेन अप्लाइंग लिबनीज रूल, अगेन अप्लाइंग लिबनीज रूल, व्हाट वी विल गेट दोस्तों, सो d by dx ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स माइनस टू एक्स इंटू फाइव टी डी टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ फाइ इज फाइव डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन, राइट। अब यहां पर फिर से लिबनीज रूल लगाते हैं, अब ये बनेगा मेरा फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी, राइट। लिबनीज रूल लगाएंगे, इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स, देन इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, माइनस टू टाइम्स फाइव टी डी टी, राइट, फाइव टी डी टी। अब प्लस, अब टी की जगह अपर लिमिट यानी कि क्या बन जाएगा, माइनस टू एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन, अब माइनस टी की जगह लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट विल बी जीरो प्लस फाइव डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, ऐसा बन जाएगा, है ना। सो अब देखिए यहां पर क्या मिला मुझे, सो मैं माइनस टू बाहर लेता हूं, माइनस टू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स फाइव टी डी टी, फाइव टी डी टी, अब इस टर्म को मैं यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, वन प्लस टू एक्स फाइव ऑफ एक्स और फिर माइनस फाइव डैश ऑफ एक्स बन जाएगा, राइट, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर ये क्या है, इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स फाइव टी डी टी, अगर मैं इसको जरा देखूं तो यहां से देखिए जरा क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं वहां से माइनस टू एक्स कॉमन ले सकता हूं इंटीग्रेशन से, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी है तो टू एक्स का कोई काम नहीं है, बाहर लेते उसे, सो माइनस टू एक्स इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स फाइव टी डी टी एंड इट इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव ऑफ एक्स हो जाएगा, और तो फिर यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स फाइव टी डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज एक्स माइनस फाइव ऑफ एक्स अपॉन माइनस टू एक्स बन जाएगा, तो ये मुझे चाहिए अब, है ना, इसको नाम देते हैं कुछ वन, देयरफॉर वी विल पुट दिस वन इनटू इक्वेशन टू, राइट। सो व्हाट वी विल गेट नाउ, जस्ट लुक एट हियर, सो व्हाट वी विल गेट, सो जस्ट आई विल जस्ट रिमूव दिस, व्हाट वी विल गेट, सो फ्रॉम टू देयरफॉर फ्रॉम वन व्हाट वी विल गेट, माइनस टू टाइम्स, अब क्या था देखिए जरा, माइनस टू टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स फाइव टी डी टी, उसकी वैल्यू क्या है, अब इसकी वैल्यू क्या है, एक्स माइनस फाइव ऑफ एक्स अपॉन माइनस टू एक्स, राइट, एक्स माइनस फाइव ऑफ एक्स अपॉन माइनस टू एक्स, राइट। अब इक्वल टू क्या है देखिए जरा, इक्वल टू क्या है, वन प्लस टू एक्स फाइव एक्स माइनस फाइव डैश ऑफ एक्स,
So equal to 1 plus 2x phi x minus phi dash of x, right? यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ बराबर है। अब देखिए जरा, इस माइनस टू से ये माइनस टू कैंसिल, यहां पर क्या बचा, वन माइनस फाइव ऑफ एक्स अपॉन एक्स, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू वन प्लस टू एक्स फाइव ऑफ एक्स माइनस फाइव डैश ऑफ एक्स। अब ये वन से ये वन कैंसिल, राइट, अब यहां से फाइव डैश ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा मुझे, फाइव डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसको मैंने वहां पर शिफ्ट कर दिया, इसको वहां पर, सो टू एक्स फाइव ऑफ एक्स प्लस फाइव ऑफ एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा, राइट। सो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, फाइव डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आई कैन टेक फाइव ऑफ एक्स कॉमन एंड इन ब्रैकेट आई विल हैव टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, राइट, ऐसा कुछ आ गया। अब ये तो एक सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, डी फाइव बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइव टाइम्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, राइट, ऐसा कुछ आ गया। अब सिंपली इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या बन जाएगा यहां से, डी फाइव अपॉन फाइव इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो ये सिंपली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन डी फाइव अपॉन फाइव इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू डी एक्स, राइट। सो वॉट वी विल गेट फ्रॉम हियर, इट विल बी लॉग फाइव इज इक्वल टू टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइव ऑफ एक्स, फाइव ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, सो देयर फोर वट विल बी द वैल्यू ऑफ फाइव एट रूट टू, इट विल बी रूट टू इंटू ई की पावर रूट टू का स्क्वायर टू, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइव एट पॉइंट रूट टू, सो विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सो रूट टू इंटू ई स्क्वायर, सो ऑप्शन सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो आई होप ये लिबनीज रूल क्या है ये आपको समझ में आया होगा, और अगर इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं कहीं पर भी आपको हेल्प लगती है तो आप ये दो फॉर्मूले हमेशा के लिए आपके साथ रखना, ये हमेशा आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।